हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप सभी? बहुत दिनों बाद आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और आपको पता लग ही गया होगा कि मुझे क्या हुआ था, वही जो आजकल मॉनसून में हो ही जाता है। तो देखिए, मॉनसून की बारिश और टपके की अम्बियाँ, वाह क्या मज़ा आया है ना। तो ये देखो, हमारे घर पे जो पेड़ है उसमें से बहुत सारे आम झड़ रहे थे, तो मैंने सोचा फटाफट से वीडियो स्टार्ट करके आप सभी को दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसा पहली बार मैंने पहला आम देखा इस पेड़ का जो इतना ज़्यादा येल्लो है। खिड़की छोड़ी तूने, वो देख फूट गई। ये देख, ऑरेंज 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 नहीं, येलो है वो। तो वैसे तो बारिश बहुत बार पहले भी पड़ चुकी है, पर आज झमाझम डेढ़ दो घंटे की बारिश पड़ी है, और अब तो खैर आगे आगे पड़ती ही जाएगी क्योंकि मानसून का सीज़न आ ही चुका है। पर आम भी उतनी स्पीड से झड़ रहे हैं, अब ऑलमोस्ट आम पक गए हैं। और अब जो टपके की अम्बियाँ हम बोलते हैं ना, जब टपका लगता है तो हम उठाते उठाते परेशान हो जाते हैं, पर ये आम नहीं बंद होते झड़ने, और बहुत मज़ा भी आ रहा है। मतलब हर रात को हम डेढ़ दो किलो आम हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसको भी दे दें उसको भी दे दें, क्योंकि भाई इतने आमों का हम क्या करेंगे, है ना। टपके की अम्बियाँ ऐसा मन करता है सब खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए हम लोग इकट्ठे करते रहते हैं। मुझे ना इकट्ठे करने का बड़ा शौक है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी आम नहीं देखे, क्योंकि कोई कोई ना अपने दिमाग में वो आम नहीं देखे इन्होंने पहले कभी, ऐसा कुछ नहीं है यार। मार्केट से खा खा के ला ला के रच गए, बस अब जब टपके की अम्बियों का जो टेस्ट है ना, वो और किसी में नहीं है। जो नेचुरली पके हुए होते हैं उनका तो खैर कहना ही क्या होता है ना। तो यहाँ पर सारांश को खाना नहीं है, सारांश को भी इकट्ठे ही करने हैं। तो अभी बारिश हल्की कम हुई थी तो मैंने और उसने सोचा कि चलो यार इकट्ठे भी कर लेते, क्योंकि मन नहीं लग रहा था, अंदर मन कर रहा था बाहर बारिश देखते रहो। ये जो नेचुरल माहौल है, जो ये मतलब कभी कभार चीज़ें देखने को मिलती है, वो सब देखते रहो। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट डे का वीडियो है ये। जब दीदी और घर आए थे तो मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए थे सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे, क्योंकि बारिश वाले मौसम में ना पकोड़े वकोड़े खाने का ज़्यादा मन करता है, तो यहाँ पर इसलिए मैं ब्रेड के पकोड़े बना रही थी। तो मनीष को तो वैसे ऑफिस जाना था, इसलिए उन्होंने कहा मैं चल पकोड़े ही खा लूँगा जब तुम्हारा पकोड़े खाने का मन है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पकोड़े बनाए, आलू को बीच में स्टफ़ कर दिया था। तो आजकल घर पे बच्चे आए हुए हैं, दीदी आई हुई है, इसलिए हमने ब्रेड पकोड़े बना भी लिए, वरना आपको पता ही है कि मैं ज़्यादा ब्रेड पकोड़े बहुत कम बनाती हूँ। मतलब मनीष को पसंद है पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, पर दो ही जने हैं तो हम सोचते हैं यार छोड़ना क्या बनाना है, कभी ऐसे फैमिली गैदरिंग होगी तब बना लेंगे, ऐसे ही सोचते हैं ना हम। तो यहाँ पर इसलिए हमने बनाए, और सबसे पहली प्लेट जाएगी हस्बैंड जी के पास, क्योंकि उनको जाना है ऑफिस और लेट हो रहा था। तो यहाँ पर सॉस मेरी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ बनती रहे ना तो याद भी रहता है। पकोड़े वकोड़े काफ़ी मतलब कम बनते, जैसे बर्थडे पे बन गए ऐसा बन गए, तो इसलिए याद नहीं रहा सॉस लाने का। तो उनको मैं टेस्ट करने के लिए देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि उनकी राय बिल्कुल सही होती है, अगर अच्छा बना है तो अच्छा ही बोलेंगे, और अगर कुछ ऊंच नीच है मतलब नमक मिर्च में, तो साफ साफ मुँह पे बोलते हैं हाँ भाई ये कम है ये डालो। तो इसलिए मैं सबसे पहले उन्हीं को टेस्ट कराती हूँ, क्योंकि उनका टेस्ट सेंस बहुत अच्छा है और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बताते हैं, मतलब दिल बहलाने वाली बात नहीं करते कि हाँ बहुत अच्छा बना है ये वो सो। तो यहाँ पर डॉली लेके जा रही है अपने चाचा के लिए, और मैं देखने जा रही थी कि क्या बोलेंगे खाने के बाद। तो बारिश के मौसम में पकौड़े वगैरह ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और जो मेरी आवाज़ है ये भी इन पकौड़ों की ही देन है। मतलब जो ये टपके के आम हैं, पकौड़े हैं, आइसक्रीम है, इन सब की वजह से ही मुझे भी कोल्ड और कफ हो चुका है, और इसलिए बहुत दिनों से वीडियोस भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं बोलने लायक ही नहीं थी। आज थोड़ा सा ठीक फील करा तो मैंने कहा चलो यार आज फटाफट से व्लॉग एडिट करके डाल देती हूँ, पता चले एक दो घंटे बाद फिर से कुछ गड़बड़ शड़बड़ हो जाए। शड्डो आ रही, वो दरवाजा बंद करिए पीछे का। क्या जा रहा सजने में से क्या हुआ? वही तो। आपको ब्रेड पकोड़े कैसे लगे? इतने बढ़िया थे कि क्या बताएं, टेस्टी। क्या बताएं? बहुत अच्छे, मजा ही आ गया खा के। हैं। बब्बू आपको कैसे लगे? गंदे। छी। आप किताब ने पेस्टिंग कर दी? हट, मैं तो डॉली मॉली के लिए बनाऊंगी अब कुछ भी बनाऊंगी। गंदे कट्टी। ये हेलो। तो शाम के टाइम पे हमने सोचा कि चलो यार थोड़े आम भी खा लिए जाएं, क्योंकि जब घर में ही टपक रहे हैं तो कितने तो हम बांटे, अब खुद भी खाने पड़ेंगे। और मैंने तो बहुत ज़्यादा खाए हैं, मतलब आप सब मानोगे कि मैं
एक दिन में मतलब 7-8 आम तो खा ही लेती थी, मतलब पूरे दिन में, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम में, पूरे दिन में। तो मुझे लगता है उसी की वजह से भी मुझे ज़्यादा ही मतलब गला मेरा ख़राब हुआ है, क्योंकि इसमें ना चौप होता है और चौप वो थोड़ा ना नुकसान करता है। तो यहाँ पर हमें खाते वक्त इतना ध्यान नहीं होता है, वो बाद में जब हमें हो जाता है ना तब हम सोचते हैं अरे यार ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो यहाँ पर मैं सबको आम काट काट के खिला रही थी, क्योंकि भाई टपके वाले आम जो है एक दिन में खाने पड़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे से ना फिर वो थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, छिते हुए होते हैं ना, वो वहाँ से गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब दीदी लोग आए थे बड़ा मज़ा आया था, हमने राजा रानी वो चोर सिपाही वाला खेल होता है ना, बहुत से आप में से भी सब ने खेला ही होगा, हमने वो भी खेला और मतलब खूब सारी गप्पे भी मारी। मज़ा आता है जब कोई आता है तो, थोड़ा बच्चे के लिए भी अलग सा हो जाता है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर आम की कटाई चल रही है, घूमने भी गए थे, अब नेक्स्ट डे का भी हमारा प्लान है घूमने का कि कहीं जाएं, क्योंकि जब दीदी आते हैं तो हम मोस्टली ऐसा होता ही है, वैसे तो 2 साल से बहुत कम हो रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादा आना जाना नहीं हो पा रहा है, वरना जाते ही थे। तो अब जाके हम देखते हैं कहीं का प्लान बनता है तो जाएंगे, नहीं तो भाई घर में तो हैं ही बैठे हुए। तो भाई घूमने भी जाना है तो अपनी सेफ्टी से जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ भीड़ भाड़ हो दुनिया भर का और डर हो, तो अपनी सेफ्टी से ही जाएंगे, पूरा देखभाल करके ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखो डॉली के और आदू के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है आम, ये दोनों तो ऐसे मतलब इतनी खुशी से खाते हैं ना, तो अच्छा लगा। मतलब घर के आम इस बार हम यहाँ पर आए तो मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आई कि घर की सब्जियाँ, घर के आम ये सब भी मिले। ये नहीं खा रहे आम, हम खा रहे सुड़कारे। तो यहाँ पर सारांश को थोड़ी देर की मोहलत मिली थी बाहर जाके साइकिल चलाने की, क्योंकि अब मॉनसून जैसे कि लग चुका है, कब बारिश आ जाए कुछ पता नहीं है, कब धड़ाधड़ी शुरू हो जाए। आम तो अब टपकते ही जाते हैं, बारिश आए तब ज़्यादा होते हैं क्योंकि तूफान भी हल्का फुल्का चलता है, उससे क्या होता है कि ज़्यादा आम गिर जाते हैं। पर और दिन ऐसा होता है ना, हर एक घंटे में 4-5 आम गिरे ही हुए होते हैं और मैं उठाती ज़रूर हूँ, भले ही ज़्यादा है भाई, खाने की चीज़ है, खाने की चीज़ को ऐसे हम रुला नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं हमारे यहाँ है, कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होंगे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उठा करके रख दूँ, है ना, चाहे बाहर से बच्चे ले जा ले, चाहे कोई भी ले जा ले, मैं रख देती हूँ, अंदर भी रख देती हूँ बाहर भी रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखो सारांश कितने अच्छे से साइकिल चलाना सीख गया है, बस उसको अभी मैं बाहर भेजने में थोड़ा डरती हूँ, क्योंकि ना उसको अभी स्टार्टिंग ही हुई है, अब पता नहीं चलता ना कौन कितनी स्पीड में सामने से आ रहा है, और बच्चे हैं वैसे भी डर ही लगता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ जब मैं बाहर जाऊँगी उसके साथ तभी उसको बोलूँगी हाँ भाई सड़क पर चला ले। वैसे यहाँ पर सड़कों पर इतना रश नहीं है, पर फिर भी यार टाइम का कुछ पता नहीं चलता है ना। तो इसीलिए अब कल का क्या प्लान है वो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आजकल पहले से प्लानिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा मॉनसून का पकोड़ों का और आम का, मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ एंड बाय बाय।